हाँ फ्रेंड, देखिए ये चिप्स बहुत ही अच्छी और मुलायम है। आप इसको बना करके साल भर के लिए स्टोर कर सकती हैं। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालिए, तलिए और इन्जॉय करिए। इसको बनाने के लिए देखिए, आलू को वाश करिए। वाश करने के बाद छील लीजिए। छीलने के बाद फिर इसको वाश करिए। वाश करने के बाद चिप्स कटर से इसको चिप्स को काट लीजिए। काटने के बाद इसको पानी में डुबोते जाइए। रात भर इसको पानी में रहने दीजिए। अगर ये रात भर पानी में रहेगा तो आपका चिप्स काला नहीं होगा और मुलायम भी बनेगा। इसको बनाने के लिए जब सुबह हो जाए तो इसको साफ पानी में फिर से चिप्स को वाश करिए। वाश करने के बाद एक थाली में निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको भगोने में गर्म पानी रखिए और जब पानी खौलने लगे तो उसमें चिप्स को डाल दीजिए। ढक दीजिए। जब ये चिप्स देखिए हाथ से छूने पर ये गल जाता है तो चिप्स आपका तैयार है। फिर एक जाली की टोकरी लीजिए, नीचे एक बर्तन रखिए, ऊपर छान छान के चिप्स जाली की टोकरी में रखती जाइए। चिप्स ऊपर रहेगा और गर्म पानी जो है आपका नीचे चला जाएगा। जब ये चिप्स ठंडा हो जाए तो इसको चादर पे या फिर किसी प्लास्टिक पर फैला दीजिए। जब सूख जाए तो इसको स्टोर करके रख लीजिए।